हेलो फ्रेंड्स, टॉप और अप चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, नीट का है जो रिज़ल्ट आ गया है, अब कुछ दिनों में है जो MBBS BDS का है जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आयुष की काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत लोग पूछ रहे थे कि आयुष का काउंसलिंग कब आएगा, कैसे करें, मैं आपको पूरा बताऊँगा वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, आप लास्ट तक बने रहिए। और आयुष का काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, कहाँ से करना है और उसका वेबसाइट क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, कि जो भी पूरा इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर गूगल में जाना है, यहाँ पर जैसे आयुष काउंसलिंग सर्च करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आयुष काउंसलिंग सर्च करते ही वेबसाइट का नाम आ गया AACC.gov.in। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल इंडिया के लिए जो आयुष का काउंसलिंग होने वाला है ये इसी वेबसाइट पर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेबसाइट का नाम याद रखिए, ये पेज पर नोट करके लिख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जब भी आपको हमेशा ये काउंसलिंग के लिए हमेशा ये खोलना है। ठीक है फ्रेंड्स, या ऑल इंडिया काउंसलिंग के, ऑल इंडिया का आयुष का काउंसलिंग इसी पर होगा। देखिए फ्रेंड्स, आयुष के अंडर कौन कौन से कोर्स आते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता देता हूँ। देखिए आयुष के अंडर है जो चार कोर्स आते हैं फ्रेंड्स, BAMS, BHMS, BUMS और BHMS, ये चार कोर्स के लिए इसी वेबसाइट से काउंसलिंग होगा ऑल इंडिया का। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये वेबसाइट खोलते ही यहाँ पर आ रहा है, अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं हुआ इस वेबसाइट पर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पहले जो कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, सब लास्ट ईयर का ही है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, जैसा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करने पर न्यू रजिस्ट्रेशन ओवर, मतलब ये लास्ट ईयर का ही है। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ पर है लास्ट ईयर का है, अभी न्यू चीज़ नहीं आया है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले है जो MBBS और BDS का काउंसलिंग होगा 15%, उसके बाद स्टेट का काउंसलिंग होगा, और स्टेट का MBBS BDS काउंसलिंग हो जाएगा, उसके बाद ये आयुष का खुलेगा। तो ये आयुष का काउंसलिंग खुलने में भी एक महीना लग सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तभी आप निश्चिंत रहिए कि BMS का काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, तभी आप 15 से 20 दिन निश्चित रहिए कि ये अभी स्टार्ट होने वाला नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी नोटिफिकेशन अगर आया तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें है जो लास्ट ईयर कैसे काउंसलिंग हुआ था, आप ये पूरा देख सकते हैं यहाँ से, जैसे काउंसलिंग स्कीम क्या है, काउंसलिंग शेड्यूल कैसे चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जितने भी अलॉटमेंट लेटर लॉन टू का, सीट मैट्रिक्स लास्ट ईयर का, ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी चीज़ है ना, आप ये वेबसाइट खोल के देख लीजिए। जैसे यहाँ पर ये भी दिया हुआ कि फर्स्ट राउंड रिजल्ट, सेकेंड राउंड रिजल्ट और फाइनल राउंड रिजल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, लास्ट ईयर कैसे क्या कट ऑफ गया था, कैसे क्या हुआ था, इसमें पूरा दिया हुआ है। जैसे काउंसलिंग स्कीम खोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, काउंसलिंग स्कीम एक मिनट, यहाँ PDF नहीं खुला। ठीक है फ्रेंड्स, काउंसलिंग स्कीम खोलते ही 2020 का आ गया कि आयुष का काउंसलिंग है जो किस तरह से होता है, फर्स्ट राउंड किस तरह से होगा, अगर फर्स्ट राउंड हुआ तो इसमें आपको कॉलेज नहीं मिला तो क्या करना है, कॉलेज मिला तो क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। सेकेंड राउंड फिर कैसे करना है, फिर मॉप अप राउंड का है, ये आप ये इन्फॉर्मेशन आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, खोल करके जो आप जो भी आयुष का काउंसलिंग करने वाले हैं, ये वेबसाइट खोल के एक बार पूरा देख लीजिए। आइए कन्फर्म है कि अभी 15-20 दिन तक ये वेबसाइट अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होने वाला है BMS का। ठीक है फ्रेंड्स, पहले MBBS BDS का होगा ऑल इंडिया, फिर स्टेट कोटा होगा, फिर उसके बाद ही ये इसका स्टार्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।